मैं ईशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क से। इस समय की एक बड़ी खबर रीवा से आ रही है, जहां रीवा के बड़ोखर के पास ट्रेन की पटरी 13 साल के लड़के के ऊपर गिरी। लड़के की मौके पर हुई मौत। लड़के के शव को 108 की मदद से लाया गया रीवा के संजय गांधी अस्पताल। लड़का घर से निकला था बकरी चराने। रीवा के बड़ोखर में 13 साल के लड़के पर ट्रेन की पटरी गिरी, मौके पर हुई मौत। हम आपको बता दें, रीवा से गोविंदगढ़ के लिए रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है। इसी ट्रैक में बड़ों के पास 13 साल का एक मासूम बकरी चरा रहा था। उसी दौरान ना जाने कैसे ट्रैक में बिछाने के लिए वहीं पर रखी पटरी उसके ऊपर गिर गई, जिसमें मासूम दब गया। मौके पर जेसीबी बुलाई गई, तब जाकर मासूम को निकाला गया। संजय गांधी अस्पताल 108 की मदद से पहुंचाया गया। तब तक काफी देर हो चुकी थी, मासूम की मौके पर ही मौत हो गई थी। संजय गांधी अस्पताल के आकस्मिक चिकित्सा विभाग ने लड़के को देखते ही मृत घोषित कर दिया। मासूम का शव पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में रखवा दिया गया है, जहां कल उसका पोस्टमार्टम होगा। हमने लड़के के चाचा से बात की, आइए आपको सुनाते, उन्होंने घटना को लेकर हमें क्या कुछ बताया। हम रीवा में थे, फोन लगाए कि पता चला कि वो रेलवे ट्रैक में भाई हमारा दब गया है, चाचे का लड़का। तो वहाँ स्थान पे जगह पे गए, तो वहाँ पता चला कि वो रेलवे की पटरी जो सीमेंटेड की रहती है वो दब गए। फिर जैसे भी एक आई है उससे निकाला गया, देखा गया हम वर्तमान वहाँ पे तो नहीं रहे। ये बकरी लेके गए थे जी। ये हो गया वहाँ पे, उसने बैठे हुए थे, ये उसका स्ट्रेचर था, करतर ऊपर वो रखी थी सीमेंटेड की रेलवे लाइन की पटरी। तो हमें लगता है कि उसने बैठे थे, वो अचानक धनक गई, उसी में दब गए। आपका क्या नाम है? सतेन सिंह रहा। इनका क्या नाम है? विक्रम केवट। किस गांव के रहने वाले? बड़ोखर। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।